गाइस क्या आप भी जानना चाहते हो कि मैं पिलर के अंदर कैसे आया? गाइस आप इस पत्थर के अंदर बैठ के लास्ट राउंड तक अपना रैंक पुश करना चाहते हो? और क्या आप भी जानना चाहते हो कि केवल 20 सेकंड में इस क्लॉक टावर के अंदर कैसे आए? तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फ्री फायर की टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक लेके आया हूं, जिनका यूज करने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इन ट्रिक का यूज करने के बाद आप इजीली से रैंक पुश कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक में हम बात करने वाले हैं कि आप कुछ ऐसे स्ट्रक के अंदर कैसे आ सकते हो। इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक पोर्टल को परचेस कर लेना है और कुछ ये वाली लोकेशन के ऊपर आ जाना है। फिर इस पोर्टल को ये ट्रक के अंदर कुछ यहाँ सेट लगा देना है। फिर गाइस आपको यहाँ से पोर्टल का यूज करने के बाद इस ट्रक के अंदर आ जाना है। लो गाइस आप इस ट्रक के अंदर आ चुके हो। गाइस यहाँ पे बैठने के बाद आप इजिली से अपना रैंक पुश कर सकते हो और आपको यहाँ पे बाहर का सभी व्यू दिखाई देगा। और गाइस यहाँ पे एक एनिमी आया और इसको मतलब पता भी नहीं चला मैं इस ट्रक के अंदर हूँ। यहाँ पे मैंने इसको इजिली से किल करके लूट वगैरह करके फिर से पोर्टल की मदद से इस ट्रक के अंदर आ गया। गाइस यहाँ से आप मतलब एनिमीज को सरप्राइज अटैक दे सकते हो। तो इस ट्रिक को भी गेम में जाके जरूर से ट्राई करना है। तो चलो अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट ट्रिक को करने के लिए आपको फ्री फायर के महिंद्रा थार को लेकर कुछ ही वाले टावर के पास आ जाना। आपको गेम में जो भी टावर मतलब ऐसे दिखाई देना उसके पास आने के बाद यहाँ पे ऊपर आके जीप से एंटर हो जाना है। फिर आप देखोगे कि जीप अपने आप नीचे आ रही है। फिर आपको यहाँ पे टावर के पास यहाँ पे मतलब रुक जाना है। फिर जैसे ही जीप आपके साथ टकराएगी आपको फिर जंप के ऊपर क्लिक करना है। लो गाइस आप इस टावर के अंदर आ चुके हो। आप देख सकते हो इजिली से 10-20 सेकंड में इस टावर के अंदर आ चुका हूँ। और गाइस ये इतनी बढ़िया ट्रिक है ना, मतलब कि मुझे सबसे बेस्ट ये ट्रिक लगती है। इससे आपको कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिंपली सा जीप से धक्का लाना है और आप इस टावर के अंदर आ चुके हो। और गाइस आपको पता ही है कि गेम में ऐसे कितने टावर होते हैं, आप कहीं भी ऐसे छुप सकते हो और आराम से अपना रैंक वगैरह पुश कर सकते हो। यहाँ पे गाइस कोई भी एनिमी अगर आपको दिखाई दे तो उसको बाहर जाकर किल करना, अंदर बैठ के किसी भी एनिमी को किल मत कर लेना। तो चलो अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। तो गाइस इस ट्रिक में हम बात करेंगे कि आप कुछ ऐसे इस पत्थर के अंदर कैसे आ सकते हो। गाइस इस ट्रिक को करने के लिए आपको जो मिनी लॉन्च पैड होता ना उसको लेकर इन्हें जो भी पत्थर के अंदर आपको जाना हो ना उसके पास आ जाना है। फिर यहाँ पे फायर बटन और मिनी लॉन्च पैड को एक साथ पे क्लिक करना है। गाइस आपका मिनी लॉन्च पैड यहाँ पे लग जाएगा, देन आपको इसका यूज करने के बाद इसको एग्जिट कर देना है। लो गाइस आप इजी पत्थर के अंदर आ चुके हो। अभी आप देख सकते हो कि मुझे सारे बाहर का सभी व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर कोई भी एनिमी जाएगा ना तो आपको बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाएगा। इसके अंदर बैठने के बाद आप आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट जोन बना था इसलिए यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिक को वर्क कर लिया। तो आप भी स्ट्रिक का वर्क करके कहीं भी छुप सकते हो, किसी भी पत्थर के अंदर जाके इजीली से अपना रैंक पुश कर सकते हो। तो चलो अपनी स्ट्रिक की ओर चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट ट्रिक हमारी पीक में वर्क करने वाली है। सेम आपको मिनी लॉन्च पैड को लेकर पीक के ये वाले टावर के पास पिलर के पास आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे मतलब मिनी लॉन्च पैड और फायर बटन पे एक बार क्लिक करना है। गाइस ये एक बार नहीं लगेगा, आपको जल्दी जल्दी से 2-3 बार क्लिक करना है फायर बटन और मिनी लॉन्च पैड पे। फिर आपका मिनी लॉन्च पैड कुछ यहाँ पे लग जाएगा, देन आपको इसको यूज करना है, फिर इसको एग्जिट कर देना है। लो गाइस आप इस पिलर के अंदर आ चुके हो। और अगर आप इस ट्रिक का यूज करोगे ना तो यहाँ पे आप इजिली से रैंक पुश कर सकते हो। और ये ट्रिक भी गाइस पीक में होने वाली है। पीक में आपको है कि कितने एनिमी हैं, कितने एनिमी आते हैं, आपको कोई भी एनिमी यहाँ पे बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे छिप पे आप आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो। यहाँ पे गाइस एक एनिमी आया और मैंने फायर की थी ना उसको पता नहीं चल रहा कि भाई मैं कहाँ पे हूँ और यहाँ पे वो गोल गोल घूम रहा है। तो ये भी ट्रिक को गेम में जाके जरूर से ट्राई कर लेना। तो चलो अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट ट्रिक हमारी क्लॉक टावर के ऊपर वर्क करने वाली है। सेम आपको गाइस क्लॉक टावर के यहाँ पे आने के बाद एक मिनी लॉन्च पैड को ले आना है। फिर यहाँ पे बैठने के बाद यहाँ पे लॉन्च पैड को मिनी लॉन्च पैड को सेट लगा देना है। फायर बटन और मिनी लॉन्च पैड पे एक साथ क्लिक कर देना है। जब भी आपका लॉन्च पैड यहाँ पे लग जाए तो आपको यहाँ पे मिनी लॉन्च पैड को यहाँ पे एग्जिट कर देना है। लो आप इस क्लॉक टावर के अंदर आ चुके हो। अभी आप देख सकते हो कि मुझे बाहर का यहाँ पे सभी व्यू दिखाई दे रहा है। लिटरली गाइस पहले आपको मतलब कि इंटरनेट को बंद करके आप इसके अंदर जा सकते थे, लेकिन अब मिनी लॉन्च पैड से आप 2 मिनट में इसके अंदर जा सकते हो। और यहाँ पे बैठने के बाद आप इजीली से अपना रैंक वगैरह पुश कर सकते हो। और कोई भी एनिमी आए तो उसको बाहर जाके आप सरप्राइज अटैक दे सकते हो और फिर से अंदर आके रैंक पुश कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। जाते जाते प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए। और हमें कमेंट में ये भी बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से मैप और मोड की ट्रिक्स की चाहिए। और गाइस अगर आपको भी फ्री फायर की कोई ट्रिक या फिर कोई मिथ पता है तो हमें कमेंट में जरूर से बता देना, हम आपकी ट्रिक को जरूर से यूज करेंगे। तो आपको अगर कोई भी ट्रिक पता हो कमेंट में जरूर से बता देना। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो पे।